10મી ડિસેમ્બર એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિન તરીકે ઉજવવામાં આવતો હોય છે, જેના ભાગરૂપે સુરત શહેરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને ફરિયાદી સંઘ ઓફ માનવ અધિકાર દ્વારા માનવ અધિકાર સંરક્ષણ માટે અને સંવર્ધન માટે માનવ અધિકાર મંથન નામનો સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. માનવ અધિકાર અંગે વક્તાઓએ ઉપસ્થિત રહી લોકોને સમજ આપી હતી. સમાજમાં તેની જાગૃતતા લાવવા માટેના પ્રયાસ થાય તે માટે ખાસ આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. નમસ્કાર, मेरा नाम डॉक्टर शीतल तमाकूवाला है और मैंने सोशियोलॉजी में पीएचडी की हुई है. मैं प्रोफेसर हूँ, मैं रिसर्चर भी हूँ, मैं समाज कार्य से जुड़ी हुई हूँ, मेरी एक एनजीओ है. साथ ही साथ मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, जहाँ पे मेरा एक काउंसलिंग सेंटर है. अब ये तीनों तीन जो है ना, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है और साइकोलॉजी है, तीनों तीन जुड़े हुए हैं. क्योंकि जैसे ही मैंने मेरा करियर एज अ प्रोफेसर स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि समाज में जितनी भी पीड़ा है उसके लिए समाज का ज्ञान होना ही नहीं जरूरी है, उसके समस्याओं का ज्ञान होना भी जरूरी है और मानव के विचारों का, मन का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है. साथ ही साथ मैंने पढ़ती गई, मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं. प्रदीप जी से मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, हमारे स्टूडेंट्स उनके वहाँ प्लेसमेंट में जाते थे और प्रदीप जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. और आज एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे सभी को पता है मानव अधिकार है क्या, पर मानव अधिकार के बारे में डिटेल में माहिती देना चाहती हूँ कि आप कैसे इसको अपनी डेली रूटीन में, आपको अगर इन्फॉर्मेशन होगी, आपको जानकारी होगी तो आप दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हो. बस यही एक प्रयास है आज का. सी बेसिकली हमारे इंडिया में सबको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपने राइट्स के बारे में पता है, अपने हक के बारे में पता है, पर जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है, कितनी हमारे आर्टिकल्स है, वो किसी को पता नहीं है. मैं ऐसा नहीं कहती हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आना चाहिए, पर आपको इतनी तो बेसिक माहिती होनी चाहिए कि अगर आप एक मानव हो तो आपके इतने अधिकार है. पूरे विश्व में ये आज का दिन इतने हर्षो उल्लास से मनाया जाता है, जहाँ पे हमारा देश ही हमें ये प्राविधान देता है कि आपके जितने भी हक हैं आपको मिलने चाहिए, पर लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है. आज का ये प्लेटफॉर्म जो है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या ये हमारे संघ में जोड़ने की कोशिश करेंगे. लोगों को हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने मैं करना चाहती हूँ, जहाँ पे उन लोग को पता चले कि इतना इसका फायदा है. लोगों को साथ जोड़ के एक टीम बना के हम लोग दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं. आज का हमारा मुख्य हेतु यही है कि जितने भी लोग, नहीं ओनली इन सूरत पर बहुत सारे हमारे सूरत में सबसे ज्यादा माइग्रेंट है. नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष फरियादी संघ आम मानवाधिकार. आज फरियादी संघ आम मानवाधिकार के तत्वाधान में आयोजित 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन के उपलक्ष्य में एक मानवाधिकार मंथन का सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मानवाधिकार संरक्षण और मानवाधिकार संवर्धन के बारे में विस्तृत मंथन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं. हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में और मुख्य अतिथि डॉक्टर शीतलबेन तमाकूवाला MSW हमारे बीच उपस्थित है और बृहद जानकारी मानवाधिकार के विषय पीठ के द्वारा दी जाएगी. हम ये चाहते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के द्वारा समाज में जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली हुई है वो सभी मानवों को अच्छी तरीके से प्राप्त हो और सभी देश के वासियों को खुशहाली, समृद्धि और सेवा मिले, ऐसी हम लोगों की कामना है. मंथन में यह है कि मानवाधिकार का संरक्षण किस हिसाब से अच्छी तरीके से हो सकता है और मानवाधिकार का संवर्धन कैसे हम योजनाओं को बना करके बृहद रूप में मानवाधिकार का संरक्षण हो, सुरक्षित हो मानवाधिकार और लोगों तक जागरूकता फैले, लोगों तक इसका मानवाधिकार के जानकारी लोगों तक पहुंचे, उस पर विचार विमर्श होगा.